Red Weekend Stash. Red Weekend Stash. Super Hits 93.5 Red FM पर. Please welcome. आज से मेरा official दुश्मन. Riteish Deshmukh. दाढ़ी देखो इसकी सबसे लंबी है. दाढ़ी लंबी है? अभी बताते दाढ़ी किसकी लंबी. इधर आ बे. पिछली पिक्चर में तुमने प्यारी सी श्रद्धा को मार दिया. इस पिक्चर में मेरे प्यारे पुलकित के साथ तुम उसकी जान के पीछे पड़े हो. तुम तो बड़े विलन बन गए रितेश देशमुख. क्योंकि आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा. अरे प्लीज वेलकम हमारे स्टेडली राइजिंग स्टार पुलकित समरत. तुम्हारी बुद्धि वो गुरु भ्रष्ट कर दिया है. गुरु जी के बारे में एक भी बात गलत बोले ना तो सर फोड़ देंगे. एक्चुअली रितेश सिद्धवानी ने मुझे कहा कि पिक्चर नरेट की गई और पहला क्वेश्चन ये होता है कि पिक्चर का टाइटल क्या है. तो उन्होंने कहा कि मेरे पास यूनिक टाइटल है बैंगिस्तान. तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने कि एक ऐसा देश जहाँ पर शायद लोग बॉम्ब ब्लास्ट और सुसाइड मिशन पर जाते हैं, तो यू नो इसलिए पड़ा उसका बैंगिस्तान. दुनिया के कोने में एक ऐसी जगह है जहाँ कभी भी गोली चल सकती है, कहीं भी बॉम्ब फट सकता है. शायद इसीलिए इस जगह का नाम पड़ गया बैंगिस्तान. बचानी होगी. दल संकट में है और उसकी रक्षा अब तुम्हें ही करनी है. मेरे किरदार का नाम है हफीज बिन अली. ये पहाड़ी इलाके से आता है बैंगिस्तान, जो कंट्री है मैं नॉर्थ बैंगिस्तान से आता हूँ. बैंगिस्तान के केव में काम करता है एंड दे आर अगेंस्ट अमेरिकन प्रोपेगेंडा. ही मीट्स हिज गुरु जो अल काम तमाम के हेड है और वो कहते हैं कि जब अलकायदा खत्म हो ही चुकी है और ओसामा भाईजान नहीं रहे तो उनकी जगह लेना बनता है, तो अलकाम तमाम का नाम रोशन होना चाहिए और उसी के लिए एक मिशन करते जो पीस मिशन है उसको ब्लास्ट कर देंगे और मुझे बोलते कि तू इस मिशन पे जा. I'm here to buy a bomb. दो लोग पोलैंड में जाते हैं बॉम्ब बनाना है, किसके पास जाएंगे? चलो चाइनीज माल लेते हैं, बोलते हैं रशियन जो सप्लाई करता है उसके पास जाएंगे. तो ये जब चाइनीज वाले के पास जाते हैं और वो कहता है कि सर कुछ सैंपल मिलेगा, तो बोलते हैं यही फटोगे के बाहर. यू नो दैट्स द ह्यूमर.